हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप सिंह। आप देख रहे हैं चार्टर्ड विजडम। आज हमारी जीएसटी क्लासेस इन हिंदी की है सेकंड क्लास, और इसके अंदर हम बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री सप्लाईज, यानी कि अगर कोई चीज़ फ्री में दी जाती है तो उस केस में क्या जीएसटी चार्ज होगा, और होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब फैमिली का मेंबर बन जाइए, जिसके अंदर आपको मिलेंगी जीएसटी इनकम टैक्स अकाउंटिंग से रिलेटेड कई सारी वीडियोस। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करें फ्री सप्लाईज की, तो यहां पर हम ध्यान दें कि जीएसटी के अंदर, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेल और सप्लाई में क्या डिफरेंस है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि सेल का मतलब होता है किसी सामान को बेचना, और यहां सामान को बेचना, इसके अंदर सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं। सप्लाई के अंदर गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती हैं। सेल के अंदर हम किसी चीज को पैसे के बदले में बेचते हैं, सप्लाई के अंदर हम सेल भी कर सकते हैं, सप्लाई के अंदर हम किसी से कुछ सामान एक्सचेंज भी कर सकते हैं, सप्लाई के अंदर हम किसी को कोई चीज फ्री में भी दे सकते हैं। तो अगर हम किसी को कोई चीज फ्री में देते हैं तो उस केस में क्या जीएसटी चार्ज होगा, आज हम इसी के ऊपर अपनी वीडियो की डिस्कशन को रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सीजीएसटी एक्ट 2017 का फर्स्ट शेड्यूल जो कहता है, फर्स्ट शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर फोर केसेस हैं जहां पर जीएसटी फ्री सप्लाईज के ऊपर भी लगेगा, यानी कि अगर कोई चीज फ्री में दी जाएगी, कोई चीज गिफ्ट में दी जाएगी, तो उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा, लेकिन सिर्फ फोर केसेस में। इन फोर के अलावा किसी केस में फ्री सप्लाईज के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, इसलिए बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट केस है परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि अगर आपकी कोई बिजनेस एसेट है, उसको आपने डिस्पोज कर दिया, उसको आपने, कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, उसने उसकी बिजनेस एसेट को डिस्पोज किया और उस एसेट के ऊपर उसने आईटीसी का बेनिफिट लिया था, आईटीसी का बेनिफिट लिया था, तो उस केस में जीएसटी चार्ज होगा। यानी कि अगर आपने वो चीज किसी को फ्री में दे दी। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक मशीन खरीदी अपने बिजनेस के पर्पस के लिए, आपने सेल के लिए नहीं खरीदी, आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदी, प्रोडक्शन के लिए खरीदी, जिसको हम कैपिटल एसेट कहेंगे। ये मशीन थी फॉर एग्जांपल 1,00,000 रुपए की, और उसके ऊपर आपने लेट से 5% के हिसाब से आपने 5,000 रुपए इनपुट जीएसटी पे किया, यानी कि परचेस के टाइम पे आपने जीएसटी पे किया। अब आपने क्या किया, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब भी आप एक एसेट परचेज करते हैं जीएसटी के अंदर, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन ये है कि आप इस 5,000 का बेनिफिट ले लीजिए, जीएसटी में टैक्स बेनिफिट ले लीजिए, और इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उस केस में जब आप डेप्रिसिएशन क्लेम करेंगे तो सिर्फ आप 1,00,000 के अमाउंट के ऊपर करेंगे, 1,05,000 के अमाउंट के ऊपर नहीं करेंगे। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ क्लेम होगा 1,00,000 के अमाउंट के ऊपर, और 5,000 का बेनिफिट आप ले रहे हैं आईटीसी के तौर पर, यानी कि आपका कुल बेनिफिट 1,05,000 का हुआ। सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आप जीएसटी में इसका क्रेडिट मत लीजिए, और इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करें तो वहां पर आप पूरा जो अमाउंट है, यानी कि आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस जो आपका टैक्स अमाउंट है, यानी कि पूरी 1,05,000 की वैल्यू पर आप अपना डेप्रिसिएशन क्लेम कर लीजिए। तो अगर आपने चुना है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, आपने क्या करा, इसका क्रेडिट ले लिया जीएसटी के अंदर। क्रेडिट कैसे ले लिया, जैसे कि आपने अगर इनपुट जीएसटी पे किया 5,000 रुपए, और आपने सेल करी, अब आपने एसेट को सेल नहीं किया, आपने तो अपनी प्रोडक्शन करी। फॉर एग्जांपल, आपका टॉयज का बिजनेस है और आपने टॉयज को सेल किया, आपने टॉयज को सेल किया और सेल पर आपने 20,000 रुपए लेट से जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया, जिसमें से आपने लेट से 12,000 रुपए का जो जीएसटी पे किया था आपने टॉयज का रॉ मटेरियल परचेज करते वक्त। तो यानी कि 12,000 का आपका हो गया इनपुट जीएसटी, और इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, और आपने क्या करा, आपने इसका भी बेनिफिट ले लिया जो आपने कैपिटल असेट परचेज करी थी, यानी कि आपने इस 5,000 का भी बेनिफिट यहाँ पर ले लिया। अब क्योंकि आपने इसका यहाँ पर बेनिफिट ले लिया है, यानी कि अब आपकी यहाँ लाइबिलिटी 3,000 की बची थी, तो यानी कि आपने इसका यहाँ पर बेनिफिट ले लिया, तो इसलिए जब आप इस असेट को डिस्पोज करेंगे, और आपने क्या करा, अब ये असेट पुरानी हो गई, आपने अपने किसी फ्रेंड को फ्री में दे दिया, तो वहां पर आप जब इसे फ्री में देंगे तो उस फ्री की चीज पर भी लगेगा जीएसटी। अब जीएसटी किस अमाउंट के ऊपर लगेगा, क्योंकि हम तो सामान फ्री में दे रहे हैं, वो भी हम आगे एंड में वैल्यूएशन रूल्स देखेंगे किस तरीके से वैल्यू होगी, उस पर हम डिस्कस करेंगे।
सेकंड केस जहां पर फ्री सप्लाईज के ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, तो वो सेकंड केस की हम बात करते हैं। सेकंड केस है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, यानी कि हम कोई चीज सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अब यहां पर बात हो रही है रिलेटेड पर्सन की, जो दो लोग आपस में रिलेटेड है या डिस्टिंक्ट पर्सन है। अब रिलेटेड पर्सन क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होते हैं, इनकी बात अभी हम आगे करेंगे जब ये फोर पॉइंट हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि वो दो लोग आपस में रिलेटेड है, ठीक है, और अगर वो आपस में रिलेटेड है, आपस में एक दूसरे को कोई चीज़ फ्री में देते हैं, तो उस केस में जीएसटी चार्ज होगा। और किस अमाउंट के ऊपर होगा, हम वैल्यूएशन रूल्स जब देखेंगे तब समझेंगे। रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई चीज़ देता है, प्रिंसिपल ने एजेंट को कोई चीज़ फ्री में दी, या एजेंट ने प्रिंसिपल को कोई चीज़ फ्री में दी, तो उस केस में भी जीएसटी चार्ज होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज आपका बिजनेस है ए लिमिटेड, आप बनाते हैं टॉयज, आपने बनाए टॉयज, अब आपने क्या करा, एक एजेंट को हायर किया कि वो आपके टॉयज को सेल करे कस्टमर्स को सेल करे, तो अब आपने अपने टॉयज दिए एजेंट को फ्री में, तो इस केस में ये होगी फ्री सप्लाई, इसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। या फिर एजेंट ने कोई चीज प्रिंसिपल को दी तो फ्री में दी, तो उस केस के ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। अब यहां पर ध्यान रहे, जो भी केस है ये सारे बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप टॉयज एजेंट को दे रहे हैं ताकि वो कस्टमर को सेल करे, तो ये बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है रिलेटेड पर्सन से, यानी कि अगर फॉरेन कंट्री में कोई आपके रिलेटेड पर्सन है, तो आप उनसे रिलेटेड है, रिलेटेड पर्सन की हम मीनिंग देखेंगे। या फिर आपकी खुद की एस्टेब्लिशमेंट है, खुद की कोई कंपनी है, आपने वहां से सर्विस इंपोर्ट करी है फ्री में, और वो फ्री की जो सर्विस होनी चाहिए वो बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए होगी तो उस फ्री की सर्विस पे भी हम जीएसटी चार्ज करेंगे। तो ये थी चार केस जहां पर टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री सप्लाईज, यानी कि इन केसेस में फ्री सप्लाईज के ऊपर भी जीएसटी चार्ज होगा। अब हम रिलेटेड पर्सन की मीनिंग जरा देखते हैं। सो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 की एक्सप्लेनेशन के अंदर रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन दी गई है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है इसके अंदर कि अगर सपोज दो कंपनी है, एक है ए लिमिटेड एक है बी लिमिटेड, और दोनों कंपनी के कॉमन ऑफिसर या कोई कॉमन डायरेक्टर है, यानी कि एक डायरेक्टर जो दोनों कंपनी में है, इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस ए लिमिटेड में भी है और बी लिमिटेड में भी है, तो इसलिए ये दोनों हो जाएंगी रिलेटेड पर्सन। और अगर ये एक दूसरे को फ्री में कुछ देंगे तो उसके ऊपर हो जाएगा जीएसटी एप्लीकेबल। तो ये था रिलेटेड पर्सन का फर्स्ट पॉइंट। अब रिलेटेड पर्सन में जो सेकंड पॉइंट वो ये है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है और उसके हैं पार्टनर्स, तो आपस में जो पार्टनर्स है अगर वो बिजनेस के पर्पस के लिए एक दूसरे को कोई चीज़ फ्री में देते हैं, तो वो भी रिलेटेड पर्सन में आएंगे। थर्ड पॉइंट इज कि अगर कोई पर्सन है, कोई पर्सन की ओनरशिप है किसी कंपनी में, और ओनरशिप 25% या उससे ज़्यादा की है, या उससे ज्यादा किया, फॉर एग्जाम्पल अगर ये राम है, राम की जो ओनरशिप है वो इस कंपनी में 30% के शेयर इन्होंने होल्ड कर रखे, यानी कि इनकी 25% से ज्यादा की ओनरशिप है, तो इसलिए अब अगर ये जो कंपनी है ये राम को कोई चीज़ फ्री में देगी या राम इन इस कंपनी को फ्री में कुछ देंगे, तो वो भी रिलेटेड पर्सन ये दोनों हो जाएंगे और वो टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगी, अगर फ्री सप्लाई होगी तो भी। अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई चीज़ देता है फ्री में, कोई गिफ्ट देता है फ्री में, और उस गिफ्ट की अगर जो वैल्यू है अगर 50,000 से ज़्यादा की है, 50,000 से अगर वो ज़्यादा का गिफ्ट है, तो उस केस में यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर 50,000 से कम की वैल्यू है तो इसका मतलब फिर वो जीएसटी उस सप्लाई में नहीं लगेगा। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि अगर मेंबर्स ऑफ फैमिली एक फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे को कोई चीज़ देते हैं, अब ध्यान रहे यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, अगर कंजप्शन के लिए कोई चीज़ देंगे फ्री में तो उस चीज़ की हम बात यहाँ पर नहीं कर रहे। बिजनेस पर्पस के लिए अगर फैमिली मेंबर्स आपस में एक दूसरे को कोई चीज़ देते हैं, तो वो
फ्री सप्लाईज भी जीएसटी की टैक्सेबिलिटी के अंदर आ जाएगी। अब सब फैमिली का मतलब क्या है, फैमिली का मतलब है स्पाउस, उनके चिल्ड्रन बच्चे हो गए, चाहे कोई भी गर्ल हो बॉय हो, उनके पेरेंट्स हो गए और उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो गए, तो ये सब उनकी फैमिली में आते हैं। लेकिन अगर उनके कोई ब्रदर है या कोई सिस्टर है, अगर उन पर डिपेंडेंट है, तो वो भी फैमिली के अंदर आते हैं, तो ये भी इसके अंदर कवर हो गए। उसके अलावा अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कंट्रोल करता है किसी भी तरीके से, अब कंट्रोल डिपेंड करेगा केस टू केस, हर केस में सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक ये कंपनी है ए लिमिटेड और ये कंपनी है बी लिमिटेड, अगर एक कंपनी का जो ए लिमिटेड है उसका इतना इन्फ्लुएंस है बी लिमिटेड के डिसीजंस के ऊपर, या ए लिमिटेड के पास पावर है कि वो बी लिमिटेड के डायरेक्टर्स को रिमूव कर सके, अपॉइंट कर सके, तो इसका मतलब ए लिमिटेड का कंट्रोल है बी लिमिटेड पे और ये दोनों हो जाएंगे रिलेटेड पर्सन। अब हमने रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देख ली है और रिलेटेड पर्सन एक दूसरे को फ्री में कुछ देंगे, तो इसका मतलब उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन की हमने बात करी थी सेक्शन 25 में। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है तो वो एक ही पर्सन है, वो एक ही पर्सन, लेकिन अगर उसने अपने बिजनेस का दिल्ली में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है और सपोज मुंबई में भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है या कोई अदर स्टेट में भी उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो क्योंकि है तो उसका बिजनेस एक ही, लेकिन हर स्टेट में उसका अगर रजिस्ट्रेशन अलग-अलग है, तो यहाँ पर वो एक पर्सन हम नहीं मानेंगे, उसको हम डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, उसको हम अलग-अलग पर्सन मानेंगे। और इस केस में अगर वो दिल्ली से अगर मुंबई या मुंबई से अदर स्टेट जहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस केस में भी यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा अगर फ्री सप्लाई होगी। अब एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट आती है, हमने कहा अभी तक हमने बात करी कि जो चार केसेस है इन केसेस में फ्री से सप्लाईज होगी उनके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि किस वैल्यू पर होगा, वो वैल्यू कैसे डिसाइड होगी। तो जो वैल्यूएशन रूल्स कहते हैं, रूल 2 है सीजीएसटी रूल्स के, तो उसमें बताया गया है कि ओपन मार्केट वैल्यू उस प्रोडक्ट की या जो भी सर्विस या कोई भी चीज़ जो फ्री में दी गई है, जो सप्लाई फ्री में दी गई है, उसकी ओपन मार्केट वैल्यू जो होगी, यानी कि उस चीज़ की मार्केट में जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू पे आप जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात बोल दी गई है। अगर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को फर्नीचर गिफ्ट दिया और दोनों पर्सन आपस में रिलेटेड पर्सन थे, तो फर्नीचर क्योंकि फ्री में दिया है तो इसकी हम मार्केट वैल्यू चेक करेंगे, सिंपल सी बात है, और मार्केट वैल्यू के ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सपोज अगर किसी वजह से मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसी चीज़, सपोज एग्जाम्पल लूँ, ए ने एक कार बनाई और वो कार अभी तक मार्केट में लॉन्च नहीं करी है, ए लिमिटेड है एक कंपनी है सपोज, और इसने दूसरी कंपनी को कार गिफ्ट में कर दी और ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पर्सन है, यानी कि फ्री सप्लाईज होगी और टैक्सेबल हो गई। अब उस कार की मार्केट वैल्यू तो पता नहीं है क्योंकि वो कार अभी मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुई है, तो उस कार जो चीज़ है उसका मार्केट में जो सब्स्टिट्यूट होगा उससे मिलती जुलती, उसी के जैसी, उसी की काइंड की कोई अगर चीज़ मार्केट में अवेलेबल होगी, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी उसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। और थर्ड पॉइंट ये है कि अगर किसी वजह से हम फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अगर उसका सब्स्टिट्यूट भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सपोज कुछ ऐसी चीज़ हो गई, ऐसी कुछ इन्वेंशन हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस चीज़ को बनाने में जो खर्चा आया है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसका 110% हम उसकी वैल्यू मान लेंगे। सपोज उस किसी चीज़ को बनाने में 50 रुपये का खर्चा आया है, तो 50 रुपये का 110% हम मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आई थिंक 55 रुपीज़, और 55 रुपीज़ उस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी और उसका हम उस अमाउंट पे हम कैलकुलेट करेंगे जीएसटी। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्री सप्लाईज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके कोई सजेशंस हैं या आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें, या फिर आप मुझे डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं charteredwisdom@gmail.com। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रही है और उसमें हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर। तब तक स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।